जनवरी महीने के चौथे वीडियो में हम लोग आते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज पाया जाता है। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें होगेन कल इंटीग्रेटेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का, तो ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे, ठीक है, एक्चुअली तमिलनाडु। नेशनल वाटर अवार्ड इस चंपारण को मिला है, बिहार में इस चंपारण को नेशनल वाटर अवार्ड मिला है। दालमा झारखंड में रेड गिलहरी का संख्या बढ़ गया है, ठीक है, इसका पसंदीदा भोजन है अर्जुन का फल। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, अगर हम लोग फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन का बात करें, तो ये बाबू जगजीवन राम थे, 1966-67, ये भी बिहार से। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, टू इंक्रीज द लोन्स टू एग्रीकल्चर। अगर हम लोग शक्कर बाग जू का बात करें, तो ये गुजरात के जूनागढ़ में है। जम्मू कश्मीर ने गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में टॉप किया है। अगर हम लोग ओबीसी रिजर्वेशन का बात करें, तो ये 2006 से बिहार में इम्प्लीमेंट हुआ है। कोविन क्या है, इस पे 6 लोग रजिस्टर कर सकते हैं सिंगल मोबाइल नंबर से। राम जानकी मार्ग 240 किलोमीटर का, यह बिहार में होगा, और सारा 240 किलोमीटर 4 लेन होगा, 4 लेन का होगा, फ्रॉम मेहरौना टू भीता हमोद, ठीक है। एडी वाड्री डैम, आदि वाद्री डैम हिमाचल प्रदेश में है। वाटर रिलीज किया जाएगा इससे सरस्वती रिवर में, जो कि सूख चुका है। फॉरेक्स रिजर्व का अगर हम लोग बात करें 14 जनवरी 2022 पे, तो 614.965 बिलियन डॉलर अभी इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 14 जनवरी 2022 को है। हाईएस्ट कब रहा था, 3 मार्च 2021 को 642.453 बिलियन डॉलर। 2022-23 में एक्सपोर्ट टारगेट कितना रखा गया है, 500 बिलियन डॉलर। 2027 तक 1 लाख करोड़ डॉलर एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। विकास इंजन को सक्सेसफुली टेस्टेड कर लिया गया है गगनयान मिशन के लिए। आईजीआई को कार्गो मैनेजमेंट में फर्स्ट रैंक दिया गया। इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम स्टैचू लगाया जाएगा। इंडिया और डेनमार्क एक दूसरे के साथ ग्रीन फील्ड पे कोऑपरेशन करेंगे। समर्थ क्या है, सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज़ ऑफ एग्री रेसिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स, समर्थ स्कीम। हॉथिस क्या है, ये यमन का एक ग्रुप है, हॉथिस ग्रुप है, ठीक है, यमन में ओरिजिन है इसका, और यमन से ये बमबारी करते हैं यूएई पे। कृषि पोषण वाटिका वीक 10 से 17 जनवरी मनाया गया अकॉर्डिंग टू दीनदयाल DAY NRL नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ILAB ये मोबाइल कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी है मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट में। जस्टिस क्लॉक क्या है, गुजरात हाई कोर्ट का ई कोर्ट फी। फर्स्ट ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन साउथ दिल्ली के TCIL के द्वारा खोला गया, फर्स्ट ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। डावोस एजेंडा 2022 ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड पटना के संजय कुमार को मिला। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन विनोद राय हैं। इजराइल के जेसिका मीर पहली लेडी बन सकती है मून पर जाने वाली, आर्टेमिस लूनार अभियान जो कि नासा के है उसमें, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जनवरी महीने 2022 में खगड़िया टॉप किया। चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार आमिर सोहानी को सेलेक्ट अपॉइंट किया गया। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, जो कि
ये जनवरी 2022 में अमिताभ कांत है, बाद में परमेश्वर अय्यर बन गए हैं। 19 साल की जारा रदरफोर्ड यंगेस्ट है टू फ्लाई अक्रॉस द वर्ल्ड, 52,000 किलोमीटर 155 दिन में, 41 कंट्रीज। ये फीमेल है। आईआईटी रुड़की को नेशनल गोल्डन अवार्ड मिला है रिसर्च के लिए। इंडिया फार्मा में कोस्ट वाइज अगर हम लोग देखें तो 14th पोजीशन पे है ग्लोबली, और क्वांटिटी वाइज देखें तो 3rd पोजीशन पे है ग्लोबली। क्यूरियोसिटी रोवर ये नासा का है, इसने कार्बन फुटप्रिंट मार्स पे पाया है। क्यूरियोसिटी रोवर नासा का है, जो कि क्यूरियोसिटी कार्बन फुटप्रिंट को मार्स पे पाया है। अंटार्कटिका पे पहुंचने वाले पहला पर्सन कौन है? रोनाल्ड एमंडसन, जो कि नॉर्वे के हैं। इंडिया का अंटार्कटिक मिशन अगर हम लोग देखें तो 1983-84 में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन वहाँ पे, फिर मैत्री 1988 में, और 2012 में भारती। मैत्री और भारती वह भी वहाँ पे काम कर रहा है, और दक्षिण गंगोत्री रिटायर हो चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग लेके आते हैं।